हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में तुर्की आक्रमण के समय की भारत की राजनीतिक दशा के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि उस समय भारत के अंदर जो छोटे बड़े राज्य थे, क्योंकि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का समापन हो चुका था और छोटी छोटी शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर सामने आ रही थी, तो हमने भारत की राजनीतिक शक्तियों को दो हिस्सों में बांटा था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और उत्तर भारत में हमने सिंध, मुल्तान, मालवा के परमार, गुजरात के सोलंकी, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गढ़वाल शासक, अजमेर के चौहान शासक, बुंदेलखंड के चंदेल और बिहार के पाल व सेन शासकों के बारे में बात की थी। जिस तरीके से उत्तर भारत में ये राज्य थे, दक्षिण भारत के में भी उस समय कई छोटे 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 और बड़े राज्य थे, जो थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, कदंब, गंग, होयसल, काकातीय, तेलंगाना, तेलुगु प्रदेश, वारंगल, पल्लव, चोल, पांडे और चेर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में छोटे बड़े बहुत सारे राज्य स्थापित हो गए थे, जो कि अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के परस्पर संघर्षरत थे। और इसी संघर्ष का फायदा उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने, तुर्क आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रयास प्रारंभ किया। और अल्टीमेटली मोहम्मद गौरी के समय में वो इस प्रयास के अंदर सफल रहे और भारत में तुर्क शासन की नींव रखी गई। अब हम इन राज्यों के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार इन राज्यों में कौन कौन से शासन थे। जैसे हम बात करें सबसे पहले उत्तर भारत की, तो सिंध और मुल्तान में 1812 में ताहिर का शासन था, जिस पर मुस्लिम शासकों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और महमूद गजनवी के समय करमाथी वंश के फतह दाऊद का यहाँ पर साम्राज्य था, जिसको पराजित कर महमूद गजनवी ने इन राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो सिंध और मुल्तान पर पहले ही मुस्लिम शासकों का अधिकार स्थापित हो गया था। अब हम बात करते हैं मालवा में परमार शासकों की। कृष्णराज द्वारा 9वीं शताब्दी में परमार वंश की नींव रखी गई। इसका एक प्रसिद्ध शासक था हर्ष सिंह, जिसने हूणों को पराजित किया और 972 में राष्ट्रकूटों की राजधानी मास्यखेत को भी इसके द्वारा जीता गया। इसका अगला शक्तिशाली शासक था वाकपति द्वितीय, जिसने कर्नाटक, लाठ, केरल, चोल, चेदी और चालुक्यों को 6 बार पराजित किया। वाकपति के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था, जिसने चेदी, लाठ, कर्नाट, गुजरात, अन्हिलवाड़ा तथा चालुक्य राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि परमार शासकों के द्वारा ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण तक अपनी सत्ता के प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात आते हैं गुजरात के सोलंकी शासक, जो कि चालुक्य राजवंश से संबंधित हैं। इस वंश के संस्थापक राजा मूलराज थे, जिसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी और इनका साम्राज्य कच्छ, काठियावाड़ तथा अजमेर तक सीमित था। जिस समय महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था, जो अत्यंत कमजोर शासक था और महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना ना कर वो अब सोमनाथ को छोड़ करके भाग गया। अब हम बात करते हैं उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर वंश का उल्लेख हमें वाण भट्ट के हर्षचरित्र में तथा पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में मिलता है। ये दोनों ही ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने जोधपुर, अवंती एवं भड़ौच पर अपनी सत्ता की स्थापना की। इसके शासक नागभट्ट ने मुस्लिम आक्रमण को विफल बनाया। वासुराज के समय गुर्जरों, पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य भारत पर अपने प्रभुत्व को लेकर के त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। मिहिर भोज इस वंश का
सबसे शक्तिशाली शासक था, और जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उज्जैन गुर्जर प्रतिहारों के शासक आनंदपाल का शासन था, जिसे पराजित कर महमूद गजनवी ने मथुरा और कन्नौज पर अधिकार किया था। इसके बाद नंबर आता है कन्नौज के गढ़वाली शासकों का। गढ़वाली शासकों का प्रारंभिक राज्य बनारस, अवध, इलाहाबाद और इंद्रप्रस्थ तक था। गोविंद्र चंद्र ने मुस्लिम आक्रमणों से बनारस की रक्षा की तथा पाल शासकों से पटना को जीतकर बिहार तक अपने राज्य का विस्तार किया। महीचंद्र, मदनपाल, विजयचंद्र इसके अन्य शक्तिशाली शासक थे, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो शासक था वह था जयचंद, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। जयचंद एक शक्तिशाली शासक था, योग्य सेनानायक था, किंतु आपसी प्रतिस्पर्धा, शत्रुता और बैर के कारण जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे का सहयोग ना कर सके, जिसका परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में और जयचंद को 1194 में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया और वो इस युद्ध में मारा गया। अब हम बात करते हैं अजमेर के चौहान शासकों की। उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, सबसे विस्तृत साम्राज्य था चौहानों का। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजपूतों की सर्वाधिक शूरवीर जाति के बारे में बात की है, तो वो कहते हैं कि राजपूतों में सबसे ज़्यादा शूरवीर यदि कोई थे तो वो चौहान थे। इन चौहानों ने 8वीं शताब्दी में अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका। सुबुक्तगीन को विग्रह राज द्वितीय ने, उसके पश्चात जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तब गोविंद राज द्वितीय अजमेर पर शासन कर रहे थे। इसके बाद अजय राज के समय इस वंश की सत्ता और साम्राज्य में वृद्धि हुई। अजय राज ने ही अजय मेरु अर्थात अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णो राज ने तुर्क आक्रमण को विफल किया। अर्णो राज के बाद विग्रह राज चतुर्थ, जो कि बीसल देव के नाम से प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने तुर्कों को हराया, तोमरों से दिल्ली को जीता और इस प्रकार हिमालय की तराई से लेकर विंध्याचल तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया। विग्रह राज के बाद उनका छोटा भाई सोमेश्वर गद्दी पर बैठा और उसने भी दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय, या जो राय पिथौरा या पाथल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, जो कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और जिसका साम्राज्य उत्तर से लेकर के दक्षिणापथ तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक विस्तृत था। उसके समय में ही 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की किस्मत अच्छी थी कि वो इस युद्ध में मरने से बच गया। किंतु पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमी ये रही कि उसने इस युद्ध को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ना ही उसने मोहम्मद गौरी को महत्व दिया, और अपनी विजय में वो इतना मस्त रहा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई तैयारियां और सीमावर्ती राज्यों पर किए गए आक्रमणों को उसने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 1192 में जब पुनः मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान पर आकर खड़ा हुआ और दोनों पक्षों के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक रूप से पराजय हुई और चौहान वंश का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, अजमेर और हांसी पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड के चंदेलों की। मंड, विद्याधर, मदन वर्मन तथा परमरदी देव इसके प्रमुख शासक थे। जिस समय महमूद गजनवी ने 1019 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था, तब विद्याधर का राज्य था, जो कि जिसने पराजय के बाद महमूद गजनवी की ना सिर्फ अधीनता स्वीकार की बल्कि अकूत धन संपत्ति भी महमूद गजनवी को प्रदान की।
चंदेलों में अपने साम्राज्य विस्तार के कारण कालचुरी, परमार और गढ़वाली शासकों के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। पृथ्वीराज ने भी परमर्दी देव को पराजित किया, कुतुबुद्दीन ने भी परमर्दी देव को पराजित किया और उसके पश्चात कलिंजर, खजुराहो और महोबा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तर भारत का एक और शासन था, साम्राज्य था, वो था बंगाल और बिहार के पाल और सेन वंश का। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, धर्मपाल महमूद गजनवी के समय का शासक था। महीपाल 11वीं शताब्दी में उसने सेन वंश की नींव रखी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन यहाँ का शासक था। 1202 में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पालों को सेनों को पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया और खिलजी वंश की नींव रखी। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में चालुक्य शक्तिशाली थे, हर्ष के समय में पुलकेशिन द्वितीय एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का पल्लवों के साथ संघर्ष हुआ। पुलकेशिन की मृत्यु के बाद में वातापी को नष्ट कर दिया गया। सोमेश्वर अगला शक्तिशाली शासक था जिसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्यों का भी राष्ट्रकूट, परमारों, कालचुरी के शासकों के साथ में सत्ता विस्तार को लेकर संघर्ष चलता रहता था। चालुक्यों का एक और शक्तिशाली शासक था विक्रमादित्य षष्ठ, जो जिसके ऊपर कवि विल्हण ने विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसकी प्रशस्ति और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। 753 ईस्वी में दांती दुर्ग में राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी गई। कृष्ण प्रथम इसका एक महत्वपूर्ण शासक था जिसके समय में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। गोविंद राज तृतीय इसका एक अन्य शक्तिशाली शासक था जिसका गुर्जरों, पल्लवों तथा वेंगी के चालुक्यों के साथ में सत्ता विस्तार को लेकर संघर्ष चलता रहता था। अब बात आती है यादव वंश की, जो कि दक्षिणापथ में इनका राज्य था। भीलम तृतीय इसका संस्थापक था और इनकी राजधानी देवगिरी थी। रामचंद्र देव तथा शंकर देव इसके अन्य प्रमुख शासक थे। वारंगल तथा द्वार समुद्र के होयसलों को पराजित कर उसने इन पर अधिकार स्थापित किया तथा अलाउद्दीन तथा मलिक काफूर ने रामचंद्र और शंकर देव को पराजित कर वारंगल और द्वार समुद्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, देवगिरी पर अपना अधिकार स्थापित किया और यहाँ से अकूत धन संपत्ति लूट कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। कर्नाटक के अंदर कदम्ब गंग और होयसल राज्य था। कदम्ब कनरा तथा उत्तरी कर्नाटक में, गंग मैसूर में था। होयसल शासक विष्णुवर्धन ने कदम्ब पर अधिकार किया था। होयसल शासकों का चोलों, पांडवों और मुस्लिम शासकों से संघर्ष हुआ। खिलजी ने देवगिरी और द्वार समुद्र पर तथा तुगलक ने कदम्ब पर अपना अधिकार स्थापित कर यहाँ तक तुर्क साम्राज्य को विस्तृत किया था। अब बारी आती है काकातीय, तेलंगाना, तेलुगु प्रदेश और वारंगल की। प्रताप रुद्रदेव प्रथम ने यादवों तथा उड़ीसा के शासकों को पराजित किया था। काकातीय रानी रुद्रमा अपने बुद्धि के लिए तथा कुशल प्रशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, किंतु प्रताप रुद्र द्वितीय के समय मलिक काफूर ने इन्हें पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि दक्षिणापथ तक का इलाका तुर्कों के साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पल्लव, चोल, पांडे और चेर सुदूर दक्षिण में स्थित थे, वहाँ तक ये शासक पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए यहाँ की संस्कृति अक्षुण रही। लेकिन तेलंगाना उत्तर से लेकर के दक्षिण के तेलंगाना प्रांत तक, होयसल प्रांत तक, कर्नाटक तक तुर्कों के साम्राज्य का विस्तार हुआ, तुर्कों की शक्ति स्थापित हुई। और हम ये देखते हैं कि इस तरीके से
टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे शासक जो कि अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के, अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर के एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, उनके साम्राज्य की विघटन के कारण तुर्कों को भारत को जीतने में बहुत अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे पहले मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर अपने शासन की नींव रखी गई और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में तुर्क साम्राज्य को स्थापित कर दिया गया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण तुर्कों को भारत जीतने में बहुत ज़्यादा सरलता रही।